SRM टुडे शहर की आवाज। राष्ट्रीय राजपथ करनी सेना बसपा समाज के लोगों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफिले को काले झंडी दिखाए गए। ये प्रदर्शन एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में आवाज नहीं उठाए जाने और सवालों पर संतुष्टप्रद जवाब नहीं मिलने को लेकर किया गया। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के चलते आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सपाक समाज व अन्य लोगों द्वारा दिग्विजय सिंह को विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए गए। दरअसल एट्रोसिटी एक्ट को लेकर कांग्रेस द्वारा कोई विरोध नहीं किए जाने के लिए जब करनी सेना व सपाक समाज के लोग दिग्विजय सिंह से चर्चा करने सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां पर विरोध जताने धरना देने के बाद दिग्विजय सिंह से चर्चा करने दी गई। इस दौरान जब इनके द्वारा दिग्विजय सिंह से एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में कोई आवाज कांग्रेस द्वारा नहीं उठाए जाने को लेकर जवाब मांगा गया तो दिग्विजय सिंह ने करनी सेना और सपाक्स को कोई संतुष्टप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके कारण सभी में आक्रोश रहा और इसी आक्रोश को लेकर सर्किट हाउस से दिग्विजय सिंह के काफिले के बाहर निकलने पर सभी ने दिग्विजय सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान अंडे भी फेंके गए जो काफिले के जाने के बाद नजर आए। हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, उनकी तरह काले झंडे दिखाए गए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत दिखाए गए। अंडे वगैरह भी फेंके गए सर गाड़ी में? नहीं, मेरे द्वारा देखा नहीं, अगर किसी ने फेंका तो संबंध में वीडियो मैसेज देखे जाएंगे। तब देखने रोड पे तो अंडे दिख रहे साहब यहाँ। ये शायद संभवतः ऐसा प्रतीत होता है किसी ने बाद में भी फेंके हैं गाड़ी के ऊपर। नहीं, बाद में निकल जाएंगे, अपने निकल जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया काले झंडे दिखाकर, किन बातों को लेकर किया गया हम बात करते हैं। यहाँ पर आज करनी सेना द्वारा एक आंदोलन किया गया, किस प्रकार से किया गया और किसका आंदोलन किया गया? जो एट्रोसिटी एक्ट नया कानून जो लागू हुआ है उसके संदर्भ में हर जगह, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर वर्ग के नेता सांसद सब लोगों से प्रश्न किया जा रहा है, उन्हें काले झंडे बताया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आपने जो एट्रोसिटी एक्ट जो कानून लागू हुआ उसमें सामान्य वर्ग के OBC SC और ST के जो व्यक्ति थे, सांसद और विधायक, इन सब ने एक तरफ रहकर इस कानून को लागू करवाया और ये बोला कि अगर आप इस कानून को लागू नहीं करेंगे तो हम सरकार बदल देंगे। तो उस समय सामान्य वर्ग के सांसद विधायक ये सब लोग कहाँ गए थे? इन सब लोगों ने मौन व्रत क्यों धारण कर रखा था? इनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है और जहाँ जहाँ से भी इन पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कोई भी संपूर्ण पूर्व जवाब नहीं दे पा रहा है और सब अपना मुँह छुपा छुपा कर भाग रहे हैं। आज किस तरीके से विरोध किया आप लोगों? आज हम सुबह से 8 बजे से सर्किट हाउस के बाहर काले झंडे बताने के लिए यहाँ बैठे थे। हमने एक बार उनसे चर्चा भी करी, चर्चा उन्होंने हमसे करी पर उनका कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला और उन्होंने बोला कि जो कानून लागू हुआ है मैं उसके साथ हूँ। इसलिए हमने 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बैठकर उनका इंतजार करा और जब वो रोड पे निकले हमने उन्हें काले झंडे बताकर उनका विरोध करा। आज काले झंडे दिखाए गए, क्या कहना है इस बारे में आपका? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन करने का काम इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा किया गया है। वोट बैंक की खातिर
22% किसी वर्ग को फायदा पहुंचाने के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में जातिवाद की खाई उत्पन्न करना चाहते हैं और इस प्रकार के कानून बनाने का काम कर रहे हैं कि व्यक्ति समाज में आपस में लड़ें। हमने इनसे इनकी राय पूछी कि आखिर जो एट्रोसिटी एक्ट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाँच के बाद गिरफ्तारी हो, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जांच के पहले ही गिरफ्तारी करने का प्रावधान इन लोगों ने संसद में बैठकर किया? क्या भारत देश में सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नहीं रहते? क्या वो लोग इनको वोट नहीं देते? इन लोगों ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए या कोई भी राजनीतिक ड्रामा हो इस प्रकार की खाई इस भारत देश में उत्पन्न करी है और श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडीशना इन नेताओं का पुरजोर विरोध करेगी और आने वाले चुनाव में इनको बताएगी कि आपने जो सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन किया है तो सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आपको गाँव में भी नहीं घुसा। आज हमने दिग्विजय सिंह जी के बात करने का प्रयास किया लेकिन संतोषप्रद तरीके से वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाए। हमने काले झंडे बताकर उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। यहाँ पर सपाक्ष के पदाधिकारी भी, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से आंदोलन किया गया और किन बातों को लेकर किया गया, बताइए सर किस तरीके से आंदोलन किया गया और किन बातों को लेकर किया गया? ये जो एट्रोसिटी एक्ट जो है पूर्व से लागू था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में ये बात जब आई कि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और कुछ झूठी रिपोर्टें की जा रही हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा साहब, उनकी खंडपीठ के द्वारा जो है इस एट्रोसिटी एक्ट में जो है थोड़ा सा ये व्यवस्था दी गई थी कि यदि मान लो कोई रिपोर्ट होती है और उसमें अगर आपको कुछ ऐसी बात लग रही है कि झूठे, तो उसकी जांच कर ली जाए, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो। ये उनके द्वारा जब व्यवस्था दी गई तो इस व्यवस्था का जो है पुरजोर जो है 22% लोग दलित लोगों ने जो है इसका विरोध किया गया, उनके दबाव में आकर जो है भारत सरकार के द्वारा और समस्त राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिनके भी सांसद लोकसभा में थे और राज्यसभा में थे, इनके सभी के द्वारा जो है उस काले कानून को जो है समर्थन दिया गया और उसको मात्र 4 दिन के अंदर जो है उसको लागू कर दिया गया। उस केवल जो है 22% लोगों को खुश करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है 78% लोगों को जो है गले पर उनकी तलवार चलाई गई। अभी जरा सी यदि आप उसमें धारा 18 ये जोड़कर इनके द्वारा जो है इतना कड़ा बनाया गया कि यदि आप एक किसी दलित के सामने अंगली उठा के भी यार सवर्ण लोग या अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग बात करेगा तो वो भी अपराध बना दिया उसमें। इसलिए जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव में जो है ये स्थिति है कि आप जो है किसी हाल ही से कुछ नहीं कह सकते हो। इस प्रकार से जो है एक तरह से जो है बिल्कुल दमन किया गया है सपाक्ष समाज के लोगों का। और चूँकि दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा के सदस्य हैं और माननीय जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ये आज इनका जब मंदसौर आने का पता चला तो हमारे द्वारा जो है हमारे सपाक्ष समाज करनी सेना राजपूत संघ के द्वारा जो है इनका विरोध करने के लिए इनसे मुलाकात की गई। उनसे यही शब्द पूछा कि भाई आपके द्वारा जब ये कानून बनाया जा रहा था आपने भी उसका समर्थन किया, उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो है और कम से कम 4 घंटे 4.5 घंटे इंतजार करने के बाद जब वो सर्किट हाउस से बाहर निकले तो बाहर रोड पर हम लोगों के द्वारा सम्मानपूर्वक जो है काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया और सपाक समाज कर्मी सेना और अन्य समाज जो भी इस कानून से जो है जिनको भी नुकसान हुआ है जो भी प्रभावित हो रहे हैं आगे भी इस प्रकार की जब तक ये कानून नष्ट नहीं होता है और आरक्षण जो है योग्यता या जो है आर्थिक आधार पर लागू नहीं होता है हम लोग जो है बराबर आंदोलन करते रहेंगे और आगे भी किसी भी स्तर पर यदि आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। ये थे हमारे साथ सपाक्ष के पदाधिकारी करनी सेना और प्रताप सेना द्वारा भी यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा कानून के अंदर जब तक आंदोलन किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता, सभी का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर सर्किट हाउस के बाहर से जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सिंह यहाँ पर निकले इनके काफिले के ऊपर यहाँ पर अंडे और टमाटर, उसके बाद काले अंडे दिखाए गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश भी की गई पर उसके बाद भी यहाँ पर काले अंडे दिखाए गए हैं। SRM टुडे के लिए विपिन चौहान मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।